मेरा नाम बिलाल खान है, मैं जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी से ताल्लुक़ रखता था। मैं डिस्ट्रिक्ट जॉइंट सेक्रेटरी था श्रीनगर का, और मैंने रिज़ाइन कुछ पहले या कुछ 15-20 दिन या एक महीने पहले मैंने रिज़ाइन किया, कुछ वजूहत थे उस पर भी, तो इस वजह से मैंने रिज़ाइन किया और मैं अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करने वाला हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और जे एंड के अपनी पार्टी की जो पार्टी है, पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन में आपने देखा होगा कि यहाँ के कैंडिडेट मोहम्मद अशरफ मीर या यहाँ के कैंडिडेट जो है या पीडीपी या एनसी कोई भी बाकी थे 15,000 कुछ लीड लिए थे, और मैंने भी उसमें कैंपेनिंग की थी। मेरे ख्याल से एनसी के मुकाबले में कोई नहीं है इस टाइप, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे भी अब लोगों में ये सोच एक आई है कि हमें क्या करना है, किस बुनियाद पे हमें वोट डालना है। ये इसी बुनियाद पे हमें वोट डालना है कि 370 और 35 जो इन्होंने हमारे से छीना है, हमारे यहाँ पे ड्रग्स है, हमारे माँ और बहनों की हिफाजत के लिए, उसके लिए कौन लड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हमारे जब मैंने एक मीटिंग बुलाई, मैंने अपने लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए यही बेस्ट है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी पार्टी है, और यही नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये आज से ये नहीं, आज से 70-75 साल की पुरानी पार्टी है, और इसके लिए शेख साहब ने भी कुर्बानी बहुत दी है, मरहूम शेख साहब ने भी बहुत कुर्बानी दी है, या डॉक्टर साहब ने भी बहुत कुर्बानी दिया, उमर साहब ने, या हर एक पार्टी ने, हर एक वर्कर ने, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी ये आजकल के बोल रहे हैं कि आज खानदानी राज है। क्या मैं उन पार्टियों से खानदानी राज कहता हूँ कि क्या अपनी पार्टी क्या आज नॉर्थ कश्मीर में इनके आज बेटे नहीं उतरे हैं असेंबली इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो कहाँ है, वो खानदानी राज कहाँ पे है? क्या साउथ में डीडीसी चेयरमैन है, वो कहाँ है, वो खानदानी राज नहीं है फिर? देखिए मेरे बॉय ये एहसान साहब ने बोला कि एक कतरे कतरे सी सा समंदर होता है, मगर एक चीज़ है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल सेंट्रल कश्मीर में भी बहुत मजबूत है, नॉर्थ में भी मजबूत है, और आने वाले वक्त में साउथ कश्मीर में भी मजबूत है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बिलखसूस राज्य कॉन्स्टिट्यूंसी के कार्य के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज लाल अहमद खान साहब
ने आज हमारी जेकेएनसी फैमिली ज्वाइन की है। गुलाम अहमद खान साहब जो है एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एक्टिव से है, पटमारू के रहने वाले हैं। ये अपनी पार्टी में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के अहदे पे हाइज थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक सही फैसला किया है, एक सही रास्ता चुना है। आज बिलाल साहब ने अपने तमाम जो इनकी एसोसिएट्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके साथ नेशनल कांग्रेस में शमूलियत की है। मैं तंजीम की तरफ से, अपनी तरफ से, जो लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी की पूरी टीम है उनकी उनकी तरफ से बिलाल साहब का वेलकम करता हूँ। देखिए, बूंद बूंद ही समंदर बनता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात फख्र से कहता हूँ कि जिस तरीके से हर ऑलमोस्ट हर दिन हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में, लाचो कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग जुड़ रहे हैं और लोगों के जुड़ने जुड़ने में फ़र्क है। जैसे लाल साहब हैं, एक पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिकल एक्टिव्स हैं, ये वो शख्सियत हैं जिनके पीछे तकरीबन 20 लोग 40 लोग 50 लोग इनके साथ हैं। इन जैसे कई सारे साथी जो हैं, हाल ही में इन्होंने हमें हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है। इससे लाचो कॉन्स्टिट्यूंसी की जो मजबूती है वो और ज़्यादा होगी और जो हमारे जीतने के चांसेस हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये मुकाबला तो होगा ही होगा। जब एक इलेक्शन में डिफरेंट पार्टीज के कैंडिडेट्स होते हैं तो मुकाबला होता ही होगा। मुकाबले के लिए हम तैयार हैं और मुकाबला कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आज कहाँ पर स्टैंड करती है। आज मैं ये बात वसूल के साथ कह सकता हूँ कि लाचो कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे पीछे भी कोई पॉलिटिकल पार्टी फील्ड में नहीं। लाचो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए मेरी मैसेज ये रही कि जो एक सही फैसला उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में किया था, जिसका नतीजा ये था कि लाचो कॉन्स्टिट्यूंसी ने पार्लियामेंट इलेक्शन में असम्बली सीमेंट में लाचो ने तकरीबन 15,500 की लीड नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी थी। मैं समझता हूँ वो एक सही फैसला था और यही उम्मीद है कि आवाम फिर से वही फैसला दोहराएगी और हमारे हक में मैंडेट देगी इंशाल्लाह।